नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, मैं कीर्ति लेकर हाजिर हूं देश और दुनिया की तमाम खास खबरें। लेकिन उससे पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर। कोरोना मामलों की कम हुई रफ्तार, देश में 49,796 नए केस, 723 लोगों की मौत। पेट्रोल दिल्ली में शतक मारने के बेहद करीब, आज 35 पैसे बड़ी कीमत, डीजल के दाम में बदलाव नहीं। मोहन भागवत के लिंकेज बयान पर ओवैसी का पलटवार, कहा ये नफरत हिंदुत्व की देन। यूपी में आज से सिनेमा घर खोलने की अनुमति, 50% क्षमताओं के साथ दर्शकों के लिए खुलेंगे मल्टीप्लेक्स सिनेमा, जिम को भी मिली छूट। विकास दुबे के नाम से एफबी अकाउंट बनाकर यूपी के आईजी मोहित अग्रवाल को मिली जान से मारने की धमकी। तो वही खबरों की शुरुआत करेंगे, लेकिन उससे पहले मेरठ से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है। मेरठ की बेटी को अमेरिका में मिला अवार्ड, ऐश्वर्या कपूर को होमटाउन हीरो अवार्ड दिया गया है। कैलिफोर्निया के प्रिमोट शहर में मिला सम्मान, कोरोना काल में बेरोजगार लोगों की थी मदद, बेरोजगार हुए लोगों को ट्रेनिंग ने फिर नौकरी दी। तो मेरठ की बेटी को अमेरिका में अवार्ड दिया गया है, होमटाउन हीरो अवार्ड से नवाजा गया है। कोरोना काल में मदद की गई, कैलिफोर्निया के प्रिमोट अस्पताल शहर में रहती है, कोरोना काल में बेरोजगार लोगों को की मदद करी, ट्रेनिंग दी, फिर उसके बाद नौकरी दिलाई, जिसके चलते होमटाउन हीरो के अवार्ड से नवाजी गई है। वही दिल्ली से इस वक्त की बड़ी खबर, डीजीसीआई ने पेनिसिया बायोटेक को दी अनुमति, भारत में रूस की वैक्सीन बनाने की अनुमति, भारत में स्पुतनिक वी तैयार करने की मिली मंजूरी। तो बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, स्पुतनिक वी बनाने के लिए दिल्ली में मंजूरी मिल गई है। डीजीसीआई ने पेनिसिया बायोटेक को यह अनुमति दे दी है। भारत में रूस की वैक्सीन बनेगी, अब स्पुतनिक वी का निर्यात भारत में किया जाएगा। तो दिल्ली से बड़ी खबर। भारत में रूस की वैक्सीन, तो दिल्ली से बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, डीजीसीआई ने पेनिसिया बायोटेक को दी अनुमति। यूपी की सियासत से जुड़ी बड़ी खबर, नए सिरे से संगठन को सक्रिय करेगी समाजवादी पार्टी, सक्रिय लोगों को मिलेगी पार्टी में बड़ी जिम्मेदारी, कई जनपदों में होगा बदलाव, जिला पंचायत चुनाव में हार पर होगा मंथन, लोहिया वाहिनी समेत सभी विंग को किया जाएगा सक्रिय। 2022 के चुनाव को लेकर तैयारियां सुनिश्चित कर ली जाए समाजवादी पार्टी की तरफ से, तो नए सिरे से संगठन की समीक्षा की जाएगी। इस खबर पर संवाददाता रिहान जुड़ चुके हैं। रिहान, मैं आपसे आना चाहूंगी, समाजवादी पार्टी ने संगठन की समीक्षा करने पर कहा है, हालांकि पहले भी बयान हम लोगों ने सुने थे कि जिस तरह से लगातार सपा मुखिया अखिलेश यादव ये कह रहे थे कि जिनका प्रदर्शन खराब होगा उन पर उनको हटा दिया जाएगा और दोबारा से समीक्षा की जाएगी, तो क्या लगता है क्या कुछ बदलाव देखने को मिलेंगे? जी कीर्ति, बिल्कुल, समाजवादी पार्टी में उत्तर प्रदेश में बहुत बड़ा बदलाव होने वाला है और इस हिसाब से जिला पंचायत सदस्य के चुनाव सपा समर्थित प्रत्याशियों ने जीते थे, उसी के आधार पे जब जिला पंचायत अध्यक्ष के चुनाव हुए तो लमसम सारी सीटों पे भाजपा ने बाजी मारी और साथ ही साथ सपा को बहुत करारी हार मिली है। तो इसी को लेकर हार पे मंथन होगा समाजवादी पार्टी कार्यालय में। अखिलेश यादव जो पदाधिकारी हैं, जो प्रदेश अध्यक्ष हैं और जो भी मंथन होगा और साथ ही साथ विचार किया जाएगा, जिनका प्रदर्शन खराब होगा उनसे वो पद छीना जाएगा, चाहे जिला अध्यक्ष की बात हो या फिर और कोई भी पद की बात हो। लेकिन
क्या लगता है जिनकी सक्रियता की बात हो रही है कि जो सक्रिय होंगे उनको संगठन में जगह मिलेगी, तो क्या बाकी लोगों को निष्कासित किया जा सकता है? ऐसे भी बड़े कदम उठाए जा सकते हैं? जी कीर्ति, बिल्कुल 2022 के चुनाव को देखते हुए समाजवादी पार्टी कई ऐसे फैसले ले सकती है, क्योंकि जो सदस्य सक्रिय हैं उनको ही रखा जाएगा, बाकी उनसे वो पार्टी में तो रहेंगे लेकिन जो उनका पद है उनसे उनका पद ले लिया जाएगा। तो बड़ा बदलाव अब समाजवादी पार्टी में होने जा रहा है। अखिलेश यादव संगठन को सक्रिय करने की तैयारी में है, बदलाव भी हो सकते हैं बड़े, समीक्षा करेंगे, कई जनपदों में होगा बदलाव। तो यूपी के सियासत से जुड़ी बड़ी खबर, नए सिरे से संगठन को सक्रिय करेगी समाजवादी पार्टी, सक्रिय लोगों को मिलेगी बड़ी जिम्मेदारी। तो नई शिक्षक भर्ती की मांग को लेकर महाधरना, डीएलईडी बीटीसी टेट पास अभ्यर्थियों का धरना, एससीईआरटी कार्यालय पर आज महाधरना, नई प्राथमिक शिक्षा भर्ती के लिए धरना प्रदर्शन, विज्ञापन को जारी करने की मांग कर रहे अभ्यर्थी, प्रदेश भर में भारी संख्या में पहुंचेंगे अभ्यर्थी। वही खबर पर रिहान एक बार फिर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। रिहान, नई शिक्षक भर्ती को लेकर आज महा धरना है। जी कीर्ति, बिल्कुल बताना चाहूंगा, 59,000 शिक्षक भर्ती का मामला है, जिसमें से जो आरक्षण का मामला है उसमें ओबीसी और एससी वर्ग के जो अभ्यर्थी, उन्होंने मंत्री सतीश त्रिवेदी के आवास का घेराव किया है, और साथ ही साथ जो ओबीसी उनके आरक्षण के हिसाब से उनको सीटें नहीं मिली है, 5,834 सीटों का आरक्षण का घोटाला है, जिसको लेकर मंत्री सतीश त्रिवेदी का अभ्यर्थियों ने घेराव किया है। बिल्कुल घिराव करेंगे, लेकिन इसको लेकर क्या तैयारियां सुनिश्चित की गई है, क्योंकि लगातार शिक्षक भर्ती मामले में ये मांग की जा रही है कि तीन भागों में बढ़ गए हैं, 22,000 पदों को जोड़ने की बात हो रही है, ओबीसी एससी आरक्षण में जो घोटाला हुआ है उसको लेकर मांग की जा रही है, रिक्त पदों पर नियुक्ति की बात हुई जा रही है। तो आज कौन लोग धरने पर बैठे हुए हैं, कौन से वर्ग के, क्या लगता है तैयारियां किस तरह से सुनिश्चित की गई है पुलिस प्रशासन द्वारा? 29 अप्रैल को आरक्षण घोटाले की अंतिम रिपोर्ट जो है पिछला वर्ष को दिया गया था, जिसके बाद 65 दिन हो गए लगातार अभ्यर्थियों को कोई भी जवाब नहीं दिया गया, इसी को लेकर अभ्यर्थियों जो अभ्यर्थी हैं उन्होंने सरकार को चेताया था कि वो बड़ी संख्या में घेराव करेंगे, और निश्चित तौर पर जो एससी और ओबीसी वर्ग के लोग हैं वही लोग घेराव कर रहे हैं। बाकी बहुत शुक्रिया। तो विज्ञापन को जारी करने की मांग है, प्रदेश भर में भारी शिक्षक अभ्यर्थी पहुंचेंगे महाधरना करने। वहीं अगली बड़ी खबर रिवर फ्रंट घोटाले से जुड़ी हुई सामने आ रही है, सीबीआई ने की लखनऊ समेत कई ठिकानों पर छापेमारी, यूपी के साथ पश्चिम बंगाल और राजस्थान में भी सीबीआई की छापेमारी, घोटाले में करीब 190 लोगों के खिलाफ दर्ज की थी एफआईआर, लखनऊ के अलावा बुलंदशहर रायबरेली में भी छापेमारी। तो रिवर फ्रंट घोटाले से जुड़ी बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, सीबीआई ने लखनऊ समेत कई ठिकानों पर छापेमारी की है, पश्चिम बंगाल और राजस्थान में भी सीबीआई की छापेमारी, घोटाले में करीब 190 लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है। तो रिवर फ्रंट घोटाले से जुड़ी बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, लगातार सीबीआई इस पर जांच कर रही है, कई ठिकानों पर छापेमारी भी मारी गई, यूपी के साथ पश्चिम बंगाल और राजस्थान में भी इसको लेकर छापेमारी की जा रही है। वही संवाददाता शिवा इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। शिवा, मैं आपसे आना चाहूंगी, लगातार जो रिवर फ्रंट घोटाला है उसको लेकर कई सवाल उठते रहे, पहले भी कई गिरफ्तारी हो चुकी है, कई नाम सामने आ चुके हैं, और 190 लोगों के खिलाफ अभी एफआईआर की बात सामने आ रही है। बिल्कुल कीर्ति, सपा शासनकाल में रिवर फ्रंट घोटाला हुआ था, और उसी को देखते हुए जब योगी सरकार उत्तर प्रदेश में आई उसके बाद उसने सीबीआई को एक पत्र लिख करके पूरे रिवर फ्रंट घोटाले की जांच
की सिफारिश की थी और सीबीआई ने जिस तरीके से जांच ओवरटेक की थी उसके बाद तमाम जो जांच के पहलू जो सामने आए थे उसके आधार पर 190 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज हुआ था। रूप सिंह यादव जो सिंचाई विभाग में चीफ इंजीनियर रहे हैं उनको पहले ही गिरफ्तार कर जेल भेजा जा चुका है और उसके साथ साथ सिंचाई विभाग से जुड़े 22 लोग जेल जा चुके हैं। जो तकरीबन ठेकेदार से लेकर के सरकारी महकमे तक के कौन कौन लोग थे और इसमें राजनीतिक कौन लोग थे ऐसे 190 नाम सामने आए और आज सीबीआई की एंटी करप्शन की विंग जो लखनऊ की विंग है जिसने इस पूरे केस में एफआईआर की थी अपने यहाँ वो उत्तर प्रदेश के अलग अलग जिलों में लखनऊ के अंदर और पश्चिम बंगाल और राजस्थान में छापेमारी एक साथ कर रही है। बड़ी छापेमारी है, कितना वक्त लग सकता है, कितने लोगों की गिरफ्तारी हो सकती है और इनके खिलाफ क्या क्या सबूत मिल सकते हैं ये तो छापेमारी बंद होने के बाद ही पता लगेगा। लेकिन एक बड़ी लीड और एक केंद्रीय स्तर के अफसर इस पूरे मामले को मॉनिटरिंग कर रहे हैं और अब तक की सबसे बड़ी छापेमारी रिवरफ्रंट घोटाले में सीबीआई की कही जाएगी। पश्चिम बंगाल और राजस्थान पर भी इस पर पैनी नजर बनाई हुई है, वहां पर भी सीबीआई की जांच इससे रिलेटेड की जा रही है। देखिए जो इनसे जुड़े लोग हैं जिन्होंने घोटाले के नाम सामने आए हैं वो ये बताया जा रहा है कि कुछ लोग पश्चिम बंगाल में हैं जिनका घर या संपत्ति या किसी तरीके का एसेट जो है वहां पर है और ये वहां छुपे होने की आशंका हो सकती है। इसलिए वो सीधी सीधी जो टीमें हैं जो गाजियाबाद एंटी करप्शन ब्यूरो से जुड़ी हो, दिल्ली से जुड़ी हो, वो सभी अफसर एक एक टीम बना करके अलग अलग जिलों में और राज्यों में रवाना हुए थे और ये पश्चिम बंगाल और राजस्थान की जो टीम है जहां पर एंटी करप्शन की विंग की टीम गई है वो ये बताया जा रहा है कि बड़े राजनेता हैं जिससे जुड़े उनके तार हैं। आखिरकार वो कौन लोग हैं और किनका चेहरा सामने आता है थोड़े वक्त का इंतजार करना पड़ेगा, लेकिन ये छापेमारी कितनी लंबी होती है ये आने वाला वक्त ही बताएगा। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो रिवरफ्रंट घोटाले में लगातार बड़े नाम सामने आए हैं, सपा के शासनकाल में रिवरफ्रंट बनाया गया था जिसको लेकर घोटाले की बात आई सामने तो योगी सरकार ने सीबीआई जांच को तलब किया। तो सीबीआई जांच लगातार हो रही है और इस पे पहले भी कई नाम सामने आ चुके हैं, उसके बाद अब 190 लोगों पर एफआईआर दर्ज हुई है। उसके तार बुलंदशहर रायबरेली तक से लेकर पश्चिम बंगाल और राजस्थान तक से जोड़े जा रहे हैं। वही अगली बड़ी खबर अनलॉक से जुड़ी बड़ी, यूपी में आज से सिनेमा घर खोलने की अनुमति, 50% क्षमताओं के साथ दर्शकों के लिए खुलेंगे सिनेमा घर, मल्टीप्लेक्स सिनेमा जिम भी खोलने की अनुमति, हफ्ते में 5 दिन स्टेडियम खोलने की इजाजत, स्विमिंग पूल पर पाबंदी पहले की तरह जारी रहेगी। तो बता दें कि आज से जिम, स्टेडियम, सिनेमा घर खोलने की अनुमति दी गई है। हालांकि सिनेमा घर में कुछ वक्त लगेगा क्योंकि अभी तैयारियां सुनिश्चित नहीं हुई है। तो 50% क्षमताओं के साथ मल्टीप्लेक्स सिनेमा और जिम खोलने की अनुमति दे दी गई है। पार्क भी खुल चुके हैं, स्टेडियम भी खुलने की अनुमति दे दी गई है। हालांकि स्विमिंग पूल पर पाबंदी पहले की तरह ही जारी रहेगी। वही मिर्जापुर से बड़ी खबर, महिला ने एसओ पर लगाया पिटाई का आरोप, एसओ वेंकटेश तिवारी पर लगे गंभीर आरोप, परिचय पत्र फाड़ने थप्पड़ मारने का आरोप, खुद को पत्रकार बता रही पीड़ित महिला, एक मामले की जानकारी के लिए पहुंची थी महिला। पंडरी थाना का पूरा मामला हम आपको बता रहे हैं जहां पर पुलिस के खिलाफ महिला ने एसओ के खिलाफ पिटाई का आरोप लगाया है। वहीं आईजी मोहित अग्रवाल को मिली धमकी और आईएस से बड़ी खबर, सोशल मीडिया के जरिए मिली जान से मारने की धमकी, धमकी के बाद पुलिस की टीम हुई एक्टिव, एसओजी टीम ने आरोपी को किया गिरफ्तार। अचलदा क्षेत्र के रहने वाला बताया जा रहा है आरोपी। आईजी मोहित अग्रवाल को मिली धमकी, पोस्ट के जरिए, सोशल मीडिया पोस्ट के जरिए ये धमकी दी गई है। इसके बाद पुलिस एक्टिव हो गई है। अछलदा क्षेत्र का रहने वाला बताया जा रहा है आरोपी, जिसकी तलाश पुलिस द्वारा की जा रही है।
करते शुरुआत उत्तर प्रदेश की खास खबरों के साथ। मैनपुरी के बेवर नगर पंचायत पर चेयरमैन और नगर पंचायत कर्मचारियों ने पौधारोपण किया। इस पौधारोपण कार्यक्रम में कई लोग मौके पर मौजूद रहे। कर्मचारियों ने सैकड़ों पेड़ों को लगाया। ईओ दुर्गेश कुमार ने बताया कि महारानी लक्ष्मीबाई इंटर कॉलेज और सभी नगर पंचायत के आने वाले क्षेत्र में 1500 पौधों का पौधारोपण कराया जाएगा। वृक्षारोपण से प्राकृतिक वातावरण शुद्ध होता है और इस समय कोविड की वजह से ऑक्सीजन में कमी दर्ज की जा रही है। पौधारोपण से ऑक्सीजन सही मिलेगी, साथ ही वातावरण शुद्ध होगा। इस मौके पर ईओ दुर्गेश कुमार बड़ी संख्या में लोग मौजूद रहे। ये जो वृक्षारोपण का जन आंदोलन चल रहा है, 30 करोड़ पौधे पूरी यूपी में लगे हैं, तो इसमें हमारी नगर पंचायत को लगभग 1500 का लक्ष्य दिया गया जिला प्रशासन की ओर से। और हम लोग आज ही जो है हमारी 13 साइट्स हैं जहाँ पे ये पौधे जो है पूरे लगाए गए आज ही, और इनको संरक्षित करने का भी हम लोग पूरा प्रयास करेंगे। आज कितने पौधे लगाए गए हैं यहाँ पे गौशाला में? आज यहाँ गौशाला में लगभग 60 पौधे लगाए गए हैं, और इसके बाद हम लोग हमारा एक स्कूल है जो हमारे प्रबंधन में चलता है लक्ष्मीबाई, इसके अलावा मोटर रोड में हमारी टंकी है जो हमारे क्लोज्ड परिसर है, उसके अलावा भी जो सार्वजनिक स्थान है सड़क पट्टी वगैरह। अलीगढ़ में तहसील इगलास के वार्ड नंबर 31 से जिला पंचायत सदस्य के पति कालीचरण एडवोकेट को आरएलडी के मुखिया जयंत चौधरी के द्वारा सम्मानित किया गया। जिला अध्यक्ष नियुक्त करने के बाद आज कई कार्यकर्ताओं के द्वारा फूलमालाओं के साथ उनका स्वागत और सम्मान समारोह आयोजित किया गया। और जिला पंचायत सदस्य के पति ने बताया कि जयंत चौधरी की नीतियों को आम लोगों तक पहुंचाया जाएगा। इसी के साथ बीजेपी पर निशाना साधते हुए कहा कि वो भाजपा के काले कारनामों को लोगों के सामने उजागर करके रहेंगे। सुल्तानपुर में चुनावी रंजिश की वजह से प्रधान और पूर्व प्रधान के बीच जमकर विवाद हुआ। थोड़ी देर बाद विवाद इतना बढ़ गया कि फायरिंग शुरू हो गई। फायरिंग में पूर्व प्रधान के रिश्तेदार भी घायल हो गए। इसके बाद घायल को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया। वहीं फायरिंग के बाद से पूरे इलाके में सन्नाटा पसरा हुआ है। स्थानीय लोगों की सूचना पर पहुंची पुलिस टीम मौके की जांच में जुट गई है। क्या स्थिति है पेशेंट की? पेशेंट की स्थिति सीरियस है, उसको रिफर लखनऊ कर दिया गया है। क्या नाम है उनका? बस्ती में अपराध कम होने का नाम नहीं ले रहे हैं। दिन प्रतिदिन बढ़ रही घटनाओं से लोगों में डर का माहौल बना हुआ है। मामला गौर थाने के टिनिच चौकी क्षेत्र के पास का है, जहां दिन दहाड़े अज्ञात बदमाशों ने अधेड़ की हत्या कर दी। हत्या को अंजाम देने के बाद बदमाश मौके से फरार हो गए। घटना की सूचना मिलते ही गौर पुलिस घटनास्थल पर पहुंची, मृतक शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। 2 जुलाई को थाना गौर के ग्राम आमा के रहने वाले पंचराम मौर्य की मृत्यु संदिग्ध परिस्थितियों में अपने घर में हो गई थी। उनकी पहली पत्नी की मृत्यु हो चुकी है और उनके सभी बच्चों की शादी हो चुकी है। वो सभी बच्चे उनके साथ नहीं रहते हैं। वहाँ के गांव चौकीदार की तहरीर के आधार पर उनकी मृत्यु के संबंध में 302 का मुकदमा अज्ञात के खिलाफ लिखा गया है। पोस्टमार्टम की रिपोर्ट में पंचराम मौर्य की मृत्यु सर पर आई हुई चोटों के कारण होना पता चला है। पुलिस सभी पहलुओं पर ध्यान दे रही है। अपनी मृत्यु से पूर्व पंचराम मौर्य ने अपने पुत्रों पर संपत्ति की बात को लेकर के एक कंप्लेंट भी थाना गौर पर दी थी। पुलिस अभी सभी पहलुओं पर देख रही है और सभी से पूछताछ। ताजनगरी आगरा में एक बार फिर लव जिहाद का मामला सामने आया। थाना सदर क्षेत्र में एक महिला ने लव जिहाद और अपने साथ शारीरिक शोषण करने का मुकदमा दर्ज कराया है। पीड़िता होटल संचालिका है। बताया जा रहा है कि पीड़िता के पति की मृत्यु 2005 में हो चुकी है। जानकारी के अनुसार जब पीड़िता लखनऊ में एक पार्टी में गई थी, वहीं उसकी मुलाकात आरिफ हाशमी से हुई थी। इस पूरे मामले पर एसपी सिटी रोहन पी बोत्रे ने बताया कि पीड़िता की तहरीर के आधार पर मुकदमा दर्ज कर फौरन कार्रवाई करते हुए आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है। थाना क्षेत्र सदर में एक पीड़िता के एप्लीकेशन के ऊपर जांच की गई थी और उसके एप्लीकेशन में कई सारी चीज़ें उसमें उन्होंने लिखी थी। एक व्यक्ति जिसका नाम आरिफ है, जो कि अपने खुद को किसी अन्य नाम से महिला के सामने जो है उसने प्रस्तुत न किया था, संबंध जो है वो एस्टैब्लिश न किए थे महिला के इसी प्रार्थना पत्र पे, और
इसमें मुकदमा पंजीकृत किया गया है। मुकदमा जो है 307, 376, 377, 386 क्योंकि एक्सटॉर्शन भी इसमें निकलता था ये। फिर बाद में जो एंटी कन्वर्जन जो कन्वर्जन लॉज हैं उसको उसमें भी मुकदमा जो है वो पंजीकृत किया गया है। इस व्यक्ति की गिरफ्तारी करके इसको जेल भेजा जा रहा है। तो लव जिहाद का मामला आगरा में एक बार फिर सामने आया है, जहां पर एक पीड़िता ने आरोप लगाया है कि उसके साथ प्रेम प्रसंग और शारीरिक शोषण करने के बाद आरोपी ने उसे छोड़ दिया। जिस मामले में पीड़िता की शिकायत पर पुलिस ने वही एक्शन लिया है। लव जिहाद का मामला है, आपको बता दें। रायबरेली के सीओ ट्रैफिक डॉक्टर अंजनी कुमार चतुर्वेदी ने मोटरसाइकिल से घूमकर ट्रैफिक व्यवस्था का जायजा लिया। चेकिंग के दौरान उन्होंने हर चौराहे पर पुलिस को सतर्क रहने के लिए कहा, साथ ही इस दौरान जो लोग बिना हेलमेट के दिखाई दिए उनका चालान भी किया गया। इसके अलावा चौराहे पर खड़े होकर पेट्रोल पंप पर निरीक्षण करते हुए लोगों से कोरोना के नियमों का पालन करने के लिए भी कहा गया। कप्तान साहब के द्वारा जो उनके निर्देश में चेकिंग पॉइंट बनाए गए हैं, तो उनके निर्देश पर चेकिंग पॉइंट को चेक करने के लिए मैं स्वयं बिना नंबर की बाइक और बिना हेलमेट के निकला। उसमें लगभग सभी पॉइंटों पर मुझे रोका गया, रोक के मेरी तलाशी ली गई और मेरा चालान काटा गया। एक जगह पर वही रसीद दिखा के मैं अन्य जगहों पर बराबर निकलता और पॉइंटों को चेक करता हुआ जा रहा हूँ। और बहुत अच्छा लगा कि जिन पॉइंटों को सर ने निर्धारित किया था उन सभी पॉइंटों पर प्रॉपर चेकिंग चल रही है, और इसी बहाने जो अन्य संदिग्ध जगह हो सकते हैं उन पर भी नजर पड़ी और उनके लिए भी रिपोर्ट। तो आप तस्वीरों में भी देख सकते हैं कि किस तरह से एक्शन मोड में सीओ ट्रैफिक नजर आए, और इन्होंने सभी से कोरोना के नियमों के साथ साथ सड़क सुरक्षा को लेकर भी वो तमाम गाइडलाइंस, हेलमेट लगाना, बेल्ट लगाना, इन्हें सुनिश्चित तौर पर फॉलो करवाने के लिए ये चेकिंग अभियान चला। और इस दौरान जो लोग बिना हेलमेट के या सीट बेल्ट लगाए बिना दिखाई दिए उनका चालान भी काटा गया। साथ ही साथ मास्क ना लगाए हुए लोग को भी समझाया गया कि कोरोना का गाइडलाइंस के जो पालन है वो जरूर करिए। फिलहाल के लिए बस इतना ही, फिर हाजिर होंगे। स्वस्थ रहिए, सतर्क रहिए और देखते रहिए प्राइम टीवी।